फाइनल में जाना मायने नहीं रखता मेरे लिए, हमें उनसे जीतना मायने रखता है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो एक और एपिसोड के अंदर आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। तो यार, जैसे आप सबको पता होगा, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जिसे सबको इंतज़ार था वो अनाउंस हो गया है। तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड यार अनाउंस हो गया, तो यार सीधी बात करूँगा, मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड के साथ, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि जैसे हमारी जो है हमारा फाइनल जैसे खेला ऐसे नहीं होना चाहिए था। कुछ इससे बेहतर जो है ना हम कर सकते थे, हम एशिया कप जीत सकते थे। यार पहले एक वक्त था जब जो है ना किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में जाना या सेमीफाइनल में जाना हमारे लिए बड़ी अहमियत की बात रखता था, लेकिन जब से अब ये बाबर आजम रिजवान या शादाब खान ये नई टीम आई है, नए लड़कों ने जब से ज्वाइन किया है, तब से वो वर्ल्ड कप के कोई टाइटल जीतना मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास नंबर वन बैटर है, नंबर टू बैटर है और बॉलर भी अच्छे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं तो समझ रहा था कि ये जो है पीसीबी जो है कुछ सीखेंगे जो फाइनल हुआ था, या जो सिलेक्टर्स हैं वो कुछ फोकस करेंगे किसी और चीज़ पे, लेकिन आज का स्कोर देखने के बाद मुझे फिर वही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आप पहले स्कोर सुन लें, मैं तस्वीर भी लगा दूंगा। बाबर आजम कैप्टन है, शदाब खान वाइस कैप्टन, आसिफ अली, हैदर अली जिन्हें एशिया कप में मौका नहीं दिया गया, हारिस रऊफ नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इफ्तिखार अहमद अंकल जी को भी ऐड किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों बात किया हुआ है, खुशदिल शाह हमारे पावर हिटर साहब, मोहम्मद हसनैन लड़के के पास फेस है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद नवाज़ काफ़ी अच्छा बंदा है, ये वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर भी देगा, मोहम्मद रिजवान नो डाउट अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी के साथ रन्स कर रहा है, लेकिन 45 पे 45 नहीं ना, 45 पे 45 नहीं समझ आते ये 100 के स्ट्राइक रेट से हमें समझ नहीं आते ना, वो भी T20 फॉर्मेट में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मोहम्मद वसीम एशिया कप के स्क्वाड में शामिल था लेकिन फिर इंजर्ड हो गया, अच्छा प्लेयर है ये भी, नसीम शाह नो डाउट सबका हीरो है, शाहीन शाह अफरीदी, अब इसका अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ शाहीन शाह की, अच्छा प्लेयर है आपने सब देखा ही हुआ है, शान मसूद ये एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने ऐड किया है एज अ फर्स्ट डाउन ना, क्योंकि ओपनर तो ऑब्वियस सी बात है बाबर और रिजवान ही आने वाले हैं, किसी और को वो मौका देंगे ही नहीं, उस्मान कादिर, और रिजर्व के अंदर इन्होंने फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है और शाहनवाज धानी, फ़खर जमान को ये फिर भी साथ लेके जा रहे हैं, ये है वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड। मैं पहले शाहीन पे आता हूँ, शाहीन का और फ़खर जमान का कह रहे हैं कि इनकी ना इंजरी का जायज़ा लिया जाएगा, तो यार मुझे तो नहीं पता कि अब क्या सिचुएशन है क्या नहीं, लेकिन शाहीन का मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो करे और वो अपनी फॉर्म में के अंदर भी वापस आए, बाकी अल्लाह को मंजूर होगा जो भी होगा, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। बट जो है ये फ़खर जमान यार, इसे आई थिंक इसे ना रेस्ट देना चाहिए था, रिजर्व के अंदर लेके जा रहे हैं, इतना रेस्ट पे ही होगा लेकिन देना चाहिए था, समझा इन्होंने कुछ भी नहीं। बाकी चीफ सेलेक्टर साहब से वहाँ से किसी ने शुएब मलिक के बारे में सवाल किया है, वीडियो क्लिप मैं ऐड कर देता लेकिन मैं नहीं कर रहा बिकॉज पहले से कॉपीराइट स्ट्राइक आया स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, मैं नहीं चाहता कि एक और भी पीसीबी वाले या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे दे दे स्ट्राइक। तो यार चीफ सेलेक्टर साहब से वो सवाल किया था कि शुएब मलिक के बारे में कि उनकी कंसिस्टेंसी है, वो अच्छा प्लेयर है ये वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास सारे प्लेयर्स हैं ये इन्होंने हमें कभी ना कभी खुशियाँ दी हैं, मैच विनर्स हैं ये, तो यार 10-12 स्कोर बना के कोई मैच विनर्स नहीं बनता ना, या कोई 10-12 स्कोर मार लेगा वो पावर हिटर नहीं बन जाएगा, अब नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे वो पावर हिटर बन गया, नहीं 2 छक्के लगाने का क्या है यार, 2 छक्के या 3 छक्के लगा के मैच जितवा दिया कुछ भी नहीं। बाकी मिडल ऑर्डर हमारा फिर भी नहीं है, शुएब मलिक को कहे थे हमने उसकी जो है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, अच्छा यहाँ पे चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा है कि 2021 का जब वर्ल्ड कप जब ख़त्म हुआ था ना उसके बाद ही हम जो है ना टीम के बारे में सोचने लग गए थे, या सोचने लग गए थे तो शुएब मलिक एक बंदा है आपको कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दे रहा है, नेशनल T20 के अंदर आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, लेकिन आप उसे ऐड नहीं कर रहे, और ये इफ्तिखार अहमद ना कोई मैच विनर है ना कुछ, चलो खुशदिल शाह फिर भी है, इसके बाद आसिफ अली फिर भी है मानता हूँ छक्के छुके लगा लेता है मैच जितवा देता है, लेकिन इफ्तिखार कुछ भी नहीं, फिर वही गलतियाँ
रिपीट हो रही हैं। बाकी अब हैदर अली को आपने बीच में ऐड किया हुआ है, उसे पता नहीं आप वर्ल्ड कप के अंदर चांस दोगे या नहीं दोगे। अगर आप चांस दोगे तो आपका टीम कम्बिनेशन क्या बनेगा? बाबर फखर, बाबर और रिजवान दो, उसके बाद थर्ड राउंड जो है आपको, अगर आप फखर जमान को नहीं खिला रहे तो आपको शान मसूद या फिर हैदर अली को फर्स्ट राउंड लाना पड़ेगा। चलो आप यहाँ पर शान मसूद को ले आते हो, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड राउंड आ जाएगा कुछ दिल, देन आसिफ, नवाज़, शदाब, हसनैन, नसीम, शाहीन, रऊफ, आपकी टीम पूरी हो जाएगी। इतना इफ्तिखार की जगह नहीं बनती। अगर इफ्तिखार आता है तो फिर हैदर आउट होता है। बाकी यार टीम वाले बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अच्छा, ये जो इंग्लैंड के साथ हो रहे हैं ना T20I, इनकी भी टीम है, मैं आपको बताता हूँ इनकी टीम क्या है। बाबर आजम, शदाब खान वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, मैंने इसे नहीं देखा ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कह सकता। इब्रार अहमद, ये एक स्पिनर है, मैंने देखा हुआ है PSL के अंदर। आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, शान मसूद, उस्मान कादिर। इसके अंदर जो हमारा मिडल ऑर्डर है ना, कसम से इंग्लैंड वाले हमें धोएंगे, भगो भगो के जैसे कहते हैं ना जुतियाँ मारना, वो लगेंगी। मेरी बात आज वक्त लिख लो, इंग्लैंड प्लेयर जो है ना बहुत धोने वाले हैं हमने। अच्छा, मैं यहाँ पे शुएब मलिक की बात करता हूँ क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, उसकी बात करनी चाहिए। चलो आपने वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाना, आपने उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है ना। आप उसे यहाँ 7 T20 में से चलो आप 2 के अंदर उसे मौका दे दो, परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये एक बार फिर टीम जो है ना वर्ल्ड कप जाने से पहले एक बार फिर ये रिवाइज्ड होगी। जैसे पिछली बार आजम खान को ऐड कर लिया था, फलाने को ऐड कर लिया था, फलाने को ऐड कर लिया था, इस तरह एक बार फिर जो है ना ये टीम रिवाइज होगी इंग्लैंड के टूर के बाद। इंग्लैंड वालों ने बहुत गंदा मारना है हमें, बस क्लीन स्वीप ना हो, क्लीन स्वीप तो नहीं होगा खैर, बहरहाल बहुत गंदा मारेंगे इंग्लैंड वाले ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना बहुत गंदा धोने वाले हैं इंग्लैंड वाले। और कराची के अंदर जो मैचेस होंगे, कराची की पिच तो वैसे जो है फ्लैट है, बल्ले पे बॉल आराम से आ रही होती है, विंडो टॉस विंडा मैच PSL के अंदर हमने देखा ही है, यहाँ पे बहुत गंदा स्कोर लगेगा और हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी, बैटर्स को अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, तो यार आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रेडिक्शंस की हैं ये सही साबित ना हो, और जो हमारा स्क्वाड है ये वर्ल्ड कप जीत के आए। हर पाकिस्तानी का यही है कि वर्ल्ड कप जीत के आए। हम जो है T20 वर्ल्ड कप तो 2009 में जीते हैं, उसके बाद जीते नहीं, और वनडे वाला तो 1992 में है। खैर पिछली बार भी हम एक कदम क्लोज थे, लेकिन वो फाइटिंग मैच हुआ था, फाइट करके हारे थे, तो उसका कोई इतना काम नहीं है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।